अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नौमान अहमद सिद्दीकी एंड फ्रॉम अंसारी एकेडमी। और आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो है 2013 का रेगुलर का जर्नल लेजर। जैसे कि आपको पता है हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस की बहुत ही बेसिक सवाल किया था, तो आज जो है हम थोड़ा सा पास्ट पेपर की तरफ जा रहे हैं और 2013 रेगुलर का सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है आपने, सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। बोलता है मेंटेन कैश अकाउंट, और आपको एक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, एंड अकाउंट्स पेबल इन जर्नल लेजर। आपने सिर्फ कैश अकाउंट और अकाउंट्स पेबल बनाना है। आई रिपीट, आपने सिर्फ कैश अकाउंट और अकाउंट्स पेबल का बनाना है, दैट्स इट। इसके अलावा जो बकाया आपको टाइटल्स दिखेंगे वो आपने इग्नोर कर देना है, सही है। आए सवाल को पढ़ते हैं। ऑन December 31, 2012 द लेजर ऑफ नवीद हाशमी ट्रेडर्स शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस आफ्टर क्लोजिंग प्रोसेस। कैश ₹64,000 एंड नीचे लाइन में दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल 20,000। सर यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी दिया हुआ है और कैपिटल भी दिया हुआ है, इग्नोर। जब हमने कुछ करना ही नहीं है, जब रिक्वायरमेंट में वो हमें मार्क्स ही नहीं देगा तो पढ़ें क्यों? आप इग्नोर करें, सिर्फ कैश को देखें और अकाउंट्स पेबल, सिर्फ कैश को देखें और अकाउंट्स पेबल, सिर्फ कैश को देखें और अकाउंट्स पेबल। आए हम जो है, मैंने हेडिंग डाल के रखी हुई यहाँ पे, नवीद हाशमी जो बंदे का नाम था, नवीद हाशमी जो बंदे का नाम था, आपने उसकी हेडिंग लगाई। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जर्नल लेजर। आपने लिखा जर्नल लेजर और फॉर द मंथ, जर्नल लेजर फॉर द मंथ बनता है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन बनता है, जर्नल लेजर जर्नल एंट्रीज, जर्नल लेजर जर्नल एंट्रीज आपकी फॉर द मंथ बनती है और ट्रायल बैलेंस एज ऑन बनता है। आते हैं हम टी अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं कैश का अकाउंट। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है क्रेडिट साइड। कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट साइड मतलब प्लस साइड, क्रेडिट साइड मतलब माइनस साइड। इस सवाल में सर, इस सवाल में जो है ऊपर कैश का एक बैलेंस दिया हुआ है जो कि क्लोजिंग प्रोसेस के वक्त एक बैलेंस था। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सवाल करते वक्त ये इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। आप देखिए जो एंट्रीज नीचे दी हुई हैं, आप जो सवाल देखेंगे सवाल में आपको कुछ एंट्रीज दी हुई हैं, वो एंट्रीज जनवरी की दी हुई हैं, वो एंट्रीज जनवरी की दी हुई हैं। और ऊपर जो बैलेंस दिया हुआ है, ऊपर जो बैलेंस दिया हुआ है 64,000, वो आपको दिसंबर का दिया हुआ है। इसका मतलब एज ऑन 31 दिसंबर जो मैंने डेट डाली है, जी हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो आपने डेट डाली ये तो गलत हुई। बिल्कुल ये डेट गलत है, ये डेट गलत है, ये डेट गलत है। यहां पे क्या देना आएगा, यहां पे आएगा सर जनवरी। यहाँ पे इस सवाल में बच्चों को जब मैंने टेस्ट लिया तो बच्चों ने मिस्टेक की है, इसलिए मैं आई रिपीट, आपने गौर से देखना है इस सवाल को। जो एंट्रीज दी हुई है वो जनवरी की दी हुई है, तो यहाँ पे आप जनवरी लिखेंगे, सही है। दिसंबर यहाँ पे नहीं आएगा, दिसंबर प्रीवियस मंथ था। और दिसंबर का जो बैलेंस 64,000 आपको दिया हुआ है वो आपका 31 जनवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको सवाल करवाया था उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था। आज आपको ओपनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है। कैश, कैश का बाय डिफॉल्ट बैलेंस, बाय डिफॉल्ट बैलेंस मतलब इंक्रीजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे होता है, तो इसका बैलेंस भी डेबिट साइड पे होगा बाय डिफॉल्ट, सही है। उसके बाद 2 जनवरी को कैश, कैश की अमाउंट हमें कहाँ दिखी, हमें दिखी कैश की अमाउंट क्रेडिट साइड पे, कितने से 14,000। मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड पे 14,000। और कैश किसके साथ पकड़ा गया, अकाउंट्स पेएबल के साथ, तो नाम लिख देंगे किसका। देखिए वही वाली लास्ट वीडियो वाली बात मैं रिपीट करूंगा, आपने ढूंढना है सिर्फ कैश को, सही है। और कैश के घर पे रिपोर्ट जा रही है कि कैश कहाँ पे है, किसके साथ है। कैश हमें मिला क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट चौरंगी पे, हमने अमाउंट लिख दी, कितने पैसे थे उसके पास 14,000, और था किसके साथ, अकाउंट्स पेबल। तो कैश के घर पे रिपोर्ट जाएगी कैश अकाउंट्स पेबल के साथ है। और वंस अगेन यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं, तो हमने डेट डालनी है, हमने डेट डालनी है January 2, सही है। ओपनिंग के लिए आपको पता है फर्स्ट डे डलती है, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट्स से फर्स्ट जनवरी। उसके बाद एंट्री नंबर 2 जो यहाँ पे दी हुई है डेट January 5 को, कैश हमें दिखा है कितने पे, क्रेडिट साइड पे। कहाँ दिखा है कैश हमें, क्रेडिट साइड पे।
सही है, और किसके साथ दिखा है, मतलब डेबिट में कौन है, अपोजिट हेड कौन सा है? सर परचेजेस का हम लिख देंगे परचेजेस, डेट डाल देंगे यहाँ पे, सही है। उसके बाद सर 11 जनवरी को हमें कैश दिखा है डेबिट साइड पे, कैश दिखा है हमें डेबिट साइड पे विद अमाउंट 12,000, और अब कैश हमें किसके साथ दिखा है, अब हमें कैश दिखा है सेल्स के साथ, सही है। उसके बाद अगली एंट्री में हमें कैश का नाम कहीं नहीं दिख रहा, उसके बाद लास्ट एंट्री में हमें कैश का नाम दिख रहा है कहां पे, क्रेडिट साइड पे। वंस अगेन कैश हमें दिख रहा है क्रेडिट साइड पे 14,000 से, लेकिन इस दफा कैश किसके साथ पकड़ा गया है, रेंट एक्सपेंस, सही है। और यहां पे डेट है आपके पास जनवरी 26। सर यहां पे हमारा कैश का अकाउंट होता है खत्म, अब क्या करेंगे, हम टोटलिंग करने वाले थे इसकी। सर दोनों साइड का हमने क्या करना है, हमें टोटल करना है, दोनों साइड का क्या करना है, टोटल करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में टोटलिंग सीखी थी। आए इसका टोटल करते हैं क्विकली, सर कौन सा साइड छोटा है, दो बंदे हैं, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट, इसके पास है 76,000 रुपीज और इसके पास है 35,500, किसके पास कम है, इसके पास कितने कम है, जितने पैसे कम है वो हमारा क्या बनता है, कैरीड डाउन बैलेंस। और कैरीड डाउन बैलेंस हम मंथ की एंड डेट आखिरी दिन निकालते हैं, मतलब हम जनवरी पे खड़े हुए हैं तो जनवरी 31st आप निकाले कैरी डाउन बैलेंस, और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद करते हैं हम डबल क्लोज। डबल क्लोज मैक्सिमम अमाउंट पे होता है, आपको पता है 76,000 यहाँ पे ज़्यादा है, इस पर हम करेंगे डबल क्लोज। और जो सीडी आएगा, जो कैरी डाउन बैलेंस आएगा, वो अपोजिट साइड पे जाके नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, हम जनवरी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, फरवरी, फैब, तो हम लिख देंगे फर्स्ट फैब, तो हमारा बैलेंस बन जाएगा ब्रॉड डाउन बैलेंस जो आपने यहाँ पे कंप्यूट किया है। उसके बाद दूसरा अकाउंट हमें सवाल में बनाना है सर, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या है, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है। देखें टी अकाउंट में ये साइड वंस अगेन डेबिट साइड, ये साइड वंस अगेन क्रेडिट साइड, सही है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। एक बार फिर से, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट और जब कम होती है तो डेबिट। तो इसका मतलब लायबिलिटी के केस में, ये अगर मैं इसको बोलूं लायबिलिटी, लायबिलिटी के केस में डेबिट मतलब और क्रेडिट मतलब ऐसी है। आए इसका जो 31 दिसंबर पे कुछ बैलेंस दिया हुआ था उसको एक नज़र देख लेते हैं। अकाउंट्स पेबल का बैलेंस दिया हुआ है 20,000, बैलेंस पॉजिटिव साइड पे, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइड पे आता है। सर इसका बैलेंस जो आया हुआ है हम यहाँ पे उतार देंगे, सही है। बैलेंस के लिए हम 1 जनवरी आगे बढ़ते हैं। अब हमने सिर्फ अकाउंट्स पेबल को ढूंढना है, हम अकाउंट्स पेबल के घर पे उसकी रिपोर्ट करेंगे, तो सिर्फ हमें अकाउंट्स पेबल को ढूंढना है। 2 जनवरी को अकाउंट्स पेबल कहाँ पे दिखा हमें, डेबिट साइड पे, कितने पैसों के साथ घूम रहा था, 14,000 और किसके साथ था सर, ये था कैश 2 जनवरी। देखिए दोनों पकड़े गए ना, कैश के घर पे रिपोर्ट क्या गई, किसके साथ, पेबल के साथ, और पेबल के घर पे रिपोर्ट क्या गई, कैश के साथ, सही है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अकाउंट्स पेबल हमें दिख रहा है 5 जनवरी को, 5 जनवरी को वो कहाँ पर है, क्रेडिट चौरंगी पे, क्रेडिट चौरंगी पे कितने अमाउंट से है वो, 10,000, और डेबिट साइड पे अपोजिट हेड कौन सा है, परचेजेस, डेट डाल देंगे आप जनवरी 5, सही है।
उसके बाद 11 को हमें कहीं भी अकाउंट्स पेबल जो है नज़र नहीं आया। उसके बाद 18 को अकाउंट्स पेबल डेबिट साइड पे दिख रहा है हमें कितने से, सर 2800 रुपीज़ के साथ। और जो अपोजिट हेड है वो कौन सा है, परचेज रिटर्न, हम डेट डाल देंगे 18 जनवरी, सही है सर। उसके बाद जो है 26 को कहीं अकाउंट्स पेबल दिखा हमें, हमें नहीं दिखा। इसका मतलब सर सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अकाउंट्स पेबल की कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नज़र नहीं आ रही। आए टोटलिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स की। हमारा जो डेबिट का कॉलम का टोटल बन रहा है सर 16,800 एंड क्रेडिट का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 30,000। एक बंदा है डेबिट, एक बंदा है क्रेडिट, वंस अगेन एक बंदा है डेबिट, एक बंदा है क्रेडिट। इसके पास है 16,800, इसके पास है 30,000। किसके पास कम है, कितने कम है, वो बन जाएगा हमारा कैरी डाउन बैलेंस। और कैरी डाउन बैलेंस हम अकाउंटिंग मंथ के, अकाउंटिंग ईयर के, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट लास्ट डे हमारा 31 जनवरी। सर डबल क्लोज किस पे करते हैं, डबल क्लोज मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट दोनों में से ज़्यादा कौन सी बड़ी वैल्यू है, और डबल क्लोज शुड बी आमने सामने, डबल क्लोज शुड बी आमने सामने। जितना सी डी उतना ही बी डी, ब्रॉड डाउन बैलेंस। और ब्रॉड डाउन बैलेंस आप नेक्स्ट मंथ के, जनवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा, फैब, फर्स्ट फैब, ब्रॉड डाउन के आगे आप डेट डाल देंगे नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट। तो जितना सी डी उतना ही बी डी, सही है। तो आई होप ये सवाल जो है ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था, और लेंथी सवाल भी नहीं था, बहुत आसान सा सवाल था, क्योंकि सिर्फ दो अकाउंट्स बनाने थे, सही है। तो इस सवाल मेरा ख्याल है आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको इसमें कोई भी मसला है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।